हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर 11th स्टैंडर्ड को शुरू किया और हमने आगे ही एक लेक्चर को कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने एक छोटी सी वर्कशीट आपको दी थी जो आप लोग ने सॉल्व कर ली है। अब आज हम लोग एक नया लेक्चर ले रहे हैं और नया टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है बच्चों वो थोड़ा बेसिक लेवल से हमें लेना है यहाँ पर। तो और यही टॉपिक के बारे में आप लोग ने 9th और 10th में पढ़ चुके हो, बट मुझे आज रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। मेरा यहाँ पर ट्राई ये है कि मैं बॉटम लेवल से लेकर आपको टॉप लेवल तक ले जाऊं और उसके लिए मैं बेसिक लेक्चर से लेकर टॉप मोस्ट लेक्चर तक आपको ले जाऊं, वही मेरा ट्राई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो जैसे कि आप जानती हो, हम लोग सबसे पहले एक फ्लो चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। याद रखना बच्चों कि जब भी आप लोग को मोल मिलते हैं, जब आप मोल फाइंड करते हो तो उसमें से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों क्या फाइंड कर सकते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो आप उसमें से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हो और एटम्स मिलने पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हो। बच्चों ये याद रखना, यानी कि आपको अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपको मॉलिक्यूल ही पूछा है तो आप यहां तक जाओगे और आपको अगर एटम पूछा है तो आप यहां तक जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट यहां पर आ रहा है। लेकिन ये फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, फिर उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये चीज हमें पढ़नी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है वो है हाइड्रोजन। कौन सा होता है बच्चों? तो वो होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को उसका जो सिंबल रहता है वो होता है एच और उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो भी 1 रहता है। अब हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होता है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। उनके अंदर प्रोटॉन कितना रहेगा बच्चों? वो भी 1 रहेगा। और उनके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? तो एक्चुअल में बच्चों यहां पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन के अंदर हालांकि कोई प्रोटॉन होता नहीं है, देयर इज नो प्रोटॉन देयर, लेकिन वहां पर एक न्यूट्रॉन जरूर रहता है, वहां पर एक न्यूट्रॉन जरूर होगा। बच्चों जरा ध्यान से देखना, तो बच्चों एक मिनट याद रखना कि यहां पर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 1 रहते हैं, प्रोटॉन भी 1 रहते हैं, बट न्यूट्रॉन 0 रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग लेते हैं दैट इज हीलियम। हीलियम हम लेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ई से। उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है 2, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना कोई भी एटम अगर आपके पास है तो उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम ही रहते हैं। फिर हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड नंबर लेते हैं जो होता है लिथियम। एलिमेंट होता है लिथियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Li से। तो Li जो रहता है लिथियम, उसमें क्या होगा? तो वहां पर उसका एटॉमिक नंबर बनता है 3, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 3 रहते हैं, प्रोटॉन 3 रहते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 4 रहते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 7 रहता है। उसके बाद नंबर 4 हम लोग लेंगे, दैट इज बेरिलियम। अब बेरिलियम जो रहता है बच्चों, ठीक है, इसको हम बीई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 ही है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? तो जरा देखना, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4, प्रोटॉन रहेंगे 4 एंड न्यूट्रॉन्स रहेंगे 5। नंबर 5 हम लेंगे, बेरिलियम के बाद एलिमेंट आता है दैट इज बोरॉन, जिसका जिसको अपने सिंबल होता है बी, एटॉमिक नंबर होता है 5। उसके अंदर क्या रहेगा बोरॉन के अंदर? जरा ध्यान से देखना, बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5 प्रोटॉन रहेंगे, 6 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, सॉरी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन। अब कार्बन का जो सिंबल रहता है वो होता है सी, ठीक है, उनमें एटॉमिक नंबर होता है 6, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन रहता है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास रहता है 12। फिर नंबर 7 लेते हैं हम लोग बच्चों, जरा ध्यान से देखना, नंबर 7 लेंगे दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर रहता है 7, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 7, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 7, न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? 7, 7। नंबर 8 लेंगे, नंबर 8 कौन सा एलिमेंट होगा? वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन यानी कि ओ आएगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा 8, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब कुछ 8 होंगे। ठीक है, फिर 9 नंबर हम लोग लेते हैं, दैट इज फ्लोरिन। क्या होगा? फ्लोरिन, उसके अंदर उसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा F, उसके अंदर कितने उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 9, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 9, बट उसके अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं 10। ठीक है बच्चों, एंड 10th नंबर का मैं ले रहा हूं यहां पर,
जो हमारे पास यहां पर बन जाएगा नियॉन, NEON, जिसका सिंबल बनता है एनी, एटॉमिक नंबर रहेगा 10, ठीक है बच्चों। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 10, प्रोटॉन 10 एंड न्यूट्रॉन भी 10 होंगे। उसके बाद हम नंबर 11 लेते हैं, जो आएगा 11 आता है यहां पर, क्या आएगा तो आएगा सोडियम, ठीक है ना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनी के साथ, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 11, इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होंगे 11, उसके अंदर आई मीन एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, बट न्यूट्रॉन रहेंगे 12, ठीक है। उसके बाद नंबर 12 लेंगे जो आएगा यहां पर, दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से बच्चों, उसका सिंबल रहेगा Mg, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 12, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे, प्रोटॉन्स 12 होंगे एंड न्यूट्रॉन्स भी 12 रहेंगे। फिर हम लोग लेते हैं नंबर 13, दैट विल बी एल्यूमिनियम, क्या रहेगा बच्चों, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा, आई मीन सॉरी, उसका सिंबल रहेगा Al, एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है बच्चों। उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 13, प्रोटॉन्स 13, बट उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं वो हो जाते हैं 14। उसके बाद हम लोग लेंगे, दैट इज 14 नंबर बन जाएगा यहां पर सिलिकॉन, सिलिकॉन जो रहेगा बच्चों उसको हम लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं सिलिकॉन को, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉन 14, प्रोटॉन 14 एंड न्यूट्रॉन भी 14 आएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 15, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 15, प्रोटॉन्स भी रहेंगे 15, 15 सॉरी, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे उसके लिए, तो न्यूट्रॉन्स यहां पर बन जाएंगे, दैट इज 16, ठीक है बच्चों, कितने रहेंगे 16 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ओके यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज सल्फर, नंबर 16 आएगा सल्फर, तो सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं S से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16 एंड न्यूट्रॉन भी 16, एटॉमिक नंबर भी आएगा 16, 16। नंबर 17 लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, एटॉमिक नंबर आएगा 17, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, बट न्यूट्रॉन आएंगे 18, ठीक है। हालांकि इसके अंदर होते हैं आइसोटॉप्स, वो क्या होता है हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, बट अभी आप लोग यहां पर ध्यान दो। 18 नंबर बन जाएगा आर्गन, जो एक नोबल गैस है बच्चों, आर्गन एयर, इट इज अ नोबल गैस, उसका एटॉमिक नंबर बनेगा 18, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 18, प्रोटॉन्स रहेंगे 18, बट न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं 22। उसके बाद 19 नंबर हमारे लिए क्या आएगा यहाँ पर, तो जो 19 होगा, ठीक है, वो होगा हमारे यहाँ पर पोटेशियम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है बच्चों, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 19, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 19 सॉरी, बट न्यूट्रॉन्स रहते हैं 20। और 20 वाला जो एलिमेंट हमारे लिए बनेगा वो बनता है कैल्शियम, जो सबसे कॉमन एलिमेंट है, वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर बनता है 20, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 एंड न्यूट्रॉन भी 20। इसी तरह से आपको यहां पर आपको सारे ये जो मैंने लिखे हैं उसको एक बार पढ़ने होंगे, ठीक है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट को लेते हैं, मान लो हम लोग ने लिया है यहाँ पर सिलिकॉन, ठीक है बच्चों, तो एक सिलिकॉन के एटम के अंदर वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 14 रहेंगे, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 14 रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी 14 रहेंगे, तो ये यहाँ पर जो वैल्यूज है वो ये चीजें रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये 1 से लेकर 20 के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर आपको सिंबल, उसके मैंने यहाँ पर हालांकि एटॉमिक मास लिखे नहीं है, बट अगर आप लोग याद रखना, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला बनता है जेड प्लस एन, वेर जेड इज इक्वल टू बनता है एटॉमिक नंबर बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर बनता है बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एन के मतलब यहां पर होता है न्यूट्रॉन्स। तो आप जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास, बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, और बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखना, आप कोई भी एलिमेंट लेते हो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कॉमन ही रहते हैं बच्चों, क्या रहेंगे, वो हमेशा कॉमन ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और मोल का भी मीनिंग क्या होता है, इन केमिस्ट्री द क्वांटिटी टू मेजर एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी चीज को मेजर करने का जो यूनिट रहता है, ओके, उसी को हम लोग मोल बोलते हैं। अब मोल को हम तीन टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड मोल इन टर्म ऑफ वेट। अभी हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं आज, तो दैट इज मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। चलिए समझते हैं उसके लिए क्या करना होता है। जैसे आप लोग जान रहे हो कि जब भी कोई भी चीज अपने पास 1 डजन रहती है बच्चों,
कितनी रहती है 1 dozen, तो उसके अंदर उस चीज की उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो वो 12 क्वांटिटी रहेगी। ठीक है बच्चों, है ना, ठीक है ना। अब मान लो कि भी ऐसा हुआ है कि आपके पास 24 चीज है कोई, तो उसके डजन कितने होंगे, तो यहां पर हमें नहीं पता, तो हमारे पास एक्स डजन हो गया। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक्स डजन को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स डजन इज इक्वल टू क्या होगा, 24 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, तो हो जाएगा 2। तो यहां पर ये कितने डजन बन गया, 2 dozen बन गया। ठीक है ना, उसी तरह से हमें क्या करना होता है, मोल भी फाइंड करना होता है बच्चों। जैसे एक डजन के अंदर 12 चीजें रहती है, एक स्कोर के अंदर 20 चीजें रहती है, एक सेंचुरी में 100 रहते हैं, उसी तरह से यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, और उन्होंने क्या दिया था, एवोगैड्रो नंबर दिया था बच्चों। ठीक है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने ऐसा बताया था, जब भी कोई भी चीज 6.022 इंटू 10^23 यानी कि इतनी सारी क्वांटिटी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 mole। क्या बोलेंगे बच्चों, 1 mole। अब इसका मतलब क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी वैल्यू है। ये 6022 के बाद 20 zero, 1 2 3 4 ऐसे 20 zero करोगे, जब उतनी सारी क्वांटिटी इकट्ठा होती है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं 1 mole बच्चों। क्या बोलेंगे, 1 mole। ठीक है, चलिए तो फिर आगे शुरू करते हैं हम इसमें कि अब अगर हम लोग को मान लो कि कहीं पर मोल फाइंड करने का कहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एन से। दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसका बनता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 × 10^23 इनटू क्वांटिटी पर मोल। ठीक है, ये आएगा, इसका मतलब ये होगा क्वांटिटी पर मोल। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, ये क्या है हमारे लिए एवोगैड्रो नंबर है, तो एन इक्वल टू क्वांटिटी को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा बच्चों, दैट इज एन ए, दैट इज क्यू पर मोल। ठीक है, अब इसको आप रिप्लेस करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, अब देखिए ये तो यहां पर यूनिट का काम करेगा, तो यहां जाएगा, दैट इज क्वांटिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए आएगा, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर आएगा, क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर आएगा। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार जरा ध्यान से देखिए, मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 6.022 × 10^23 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी पर मोल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, क्यू को सब्जेक्ट बनाया, तो ये एन ए वहां जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोल इंटू एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट विल गिव यू द क्वांटिटी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये बता रहा है, दैट इज हमारे पास कैल्शियम के जो एटम्स है बच्चों, कैल्शियम के जो एटम्स है वो है 12.044 × 10^20 एटम्स है। ठीक है, और आपको फाइंड करने हैं उसके मोल्स, क्या फाइंड करने हैं, उसके मोल्स। अब अगर हमें मोल को फाइंड करना है, तो जरा ध्यान से देखना हम क्या करेंगे यहां पर, इसके लिए जरा ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है, तो मैंने यहां पर n लिख दिया मोल के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, q अपॉन na करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी है, तो वो है 12.044 × 10^20 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना ही, इसको हटा दो, आपको इतना ही याद रखना है, q अपॉन na को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर na यानी कि क्या बनेगा, वो हमारा एवोगैड्रो का नंबर बनेगा ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 6.022 × 10^23 करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये किया, अब क्या होगा, तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, अब आपके लिए एक नई बात है, 2 × क्या होगा, 10^20 आया। अब ये 23 नीचे है डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर जाएगा तब वो माइनस बन जाएगा, तो यहां पर -23 आ जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 × 10^-3 मोल आएगा बच्चों, क्या आएगा, -3 मोल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। यहां पर ये क्वांटिटी पर मोल जो था ना बच्चों, वो क्या था हमारे लिए यहां पर, तो एक्चुअली में यहां पर यूनिट का काम कर रहा था, अब आपको यहां पर ये मोल मिल गया, लेकिन 10^-3 हमने आगे के लेक्चर में देखा था, उसको हम लोग बोलते हैं मिली। ठीक है, तो ये मोल कितने हो गए, तो 2 मिली मोल हो गए, ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, समझ में आया ना। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कि हमारे पास क्या है, 0.5 मोल ऑफ CA2+ आयंस है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है
कि उसके नंबर ऑफ सी ए टू प्लस आयन्स कितने हैं, यानी उसके आयन कितने हैं, फिर हमें ये फाइंड करना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, और हमें ये फाइंड करना है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। देखिए कैल्शियम जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर सी ए टू प्लस बनाया और प्लस टू बनाया, यानी कि उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। याद रखना पॉजिटिव चार्ज वही शो करता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और वो जितना पॉजिटिव चार्ज बना है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। अगर मान लो कि भाई सीए का प्लस टू है, यानी कि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। अब मैंने आगे इस टॉपिक इसी लेक्चर में बताया था कि कैल्शियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स कितने रहते हैं बच्चों, 20 रहते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। लेकिन क्योंकि उसने यहां पर आते आते दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसके पास प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 20 रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी 20 रहेंगे। एक कैल्शियम आयन के अंदर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 प्रोटॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है, ये हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सी ए प्लस आयन फाइंड करना है। नंबर ऑफ सी ए प्लस यानी कि हमें क्वांटिटी मेजर करनी है। चलिए ये रहा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू क्या आएगा, एन, यानी कि मोल कितना है, आधा मोल, 0.5 मोल हुआ यानी कि। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर यानी कि ये वैल्यू हुआ, दैट इज 6.022 × 10⁻²³। अब 0.5 यानी कि हाफ हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻²³ करोगे आप तो आएगा 3.011 × 10⁻²³ Ca2+ आयन। इतने आयन्स हो गए बच्चों। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक Ca2+ आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास Ca2+ आयन कितने, इतने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 3.011 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। अब वहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने, सेम है, तो प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब एक कैल्शियम प्लस टू के अंदर 20 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, तो फिर इसके अंदर कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा ना, तो 20 × 3.011 × 10⁻²³ हो गए, ये हमारा आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, देखिए समझिए इसको क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई क्यों किया। मान लो एक स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट के पास 5 चॉकलेट्स है। अब हमारे पास स्टूडेंट कितने, 1000 स्टूडेंट है, तो फिर टोटल चॉकलेट्स कितने, हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। समझ में आया कि नहीं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया आपने, ठीक है कि नहीं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएंगे जो हो गए 5000। सेम वे कैल्शियम के प्लस टू आयन के अंदर, एक आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने सारे आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 18 करना पड़ेगा, तो फिर उतने ही आयन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी था, इंटरेस्टिंग था। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टाइम लिमिट के जैसे मैं आज ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, मैं इसकी एक वर्कशीट छोटी सी 5-10 क्वेश्चन की बनाकर एक और कल मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये पूरा चैप्टर बहुत कैलकुलेटिव है, आपको ध्यान से समझना होगा, लिखते रहना होगा। आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात निकल के आ रही है, एवोगाड्रो नंबर, और एक ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, एक ये है और ये है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स बनाओ, इसको दो बार आपको लिखना है, ये और इसके आगे वाला जो आपने लिखा था स्क्रीनशॉट लिया था वो दोनों को, और आपको मुझे फॉरवर्ड करना है। चलिए तो फिर आज का टॉपिक जो था बहुत इंटरेस्टिंग एंड कैलकुलेटिव था, आई होप कि आपको मजा आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।